नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज दिखा रहे हैं, जानने हैं पब्लिक से बातचीत करके कि पब्लिक का क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम गीता। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? 35 साल से। कैसा माहौल लगता है मैम आश्रम का आपको? माहौल बहुत अच्छा है सच्चा सौदा, ना कोई पैसा मत्था टिकाई कुछ भी नहीं है, फ्री काम करते हैं। आँखों का कैंप लग गया है, कैंप में बहुत अच्छी सेवा हो रही है, सबको फ्री खाना दिया जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। कितना विश्वास करते हो गुरुजी के? बहुत ज़्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरुजी के ऊपर विश्वास? हमारी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया, पहला बच्चे नशा करते थे, नशा छोड़ दिया। हमारे घरों में मतलब कि बहुत अच्छी तरक्की आ रही है और काम ठीक चल रहे हैं। थोड़ी में गुजारा होता फिर भी बहुत बरकत होती है। मैम आश्रम के बारे में, संत जी के बारे में जो दूसरी तरफ मीडिया में टीवी में दिखाया गया, उसके बारे में आप जनता को क्या बताओगे? जनता को वैसे गलत है मीडिया में दिखाए गए जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए गए। हाँ, आरोप झूठे आरोप है सारे। फिर सच क्या है? संत जी ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किए हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता भलाई के, कंबल देना, खाना देना और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मरीजों का इलाज करना फ्री। क्या क्या आप क्या अपील करना चाहोगे सरकार से, क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? क्या मांग? हमारे घरों जल्दी जल्दी हमारे पास आना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता की अपील मांग के संग डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा समाज में वापस आने चाहिए। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा में आज भी यहाँ पर लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए जो लगातार फ्री आई कैंप लगातार लगाया जा रहा है, और ये लोग अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में आने चाहिए। उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं जनता का मानना है बिल्कुल झूठे लगाए जा रहे हैं। आप लोग भी सोचिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।